1960 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराष्ट्र को डिवाइड किया था तब उससे बने थे दो स्टेट महाराष्ट्र और गुजरात। लेकिन आखिर ये डिवीजन हुआ ही क्यों था? कैसे मजदूर और दलितों के लिए आवाज उठाने वाले लोग आंदोलन पर उतर आए थे और इसे बहुत बड़ा आंदोलन बना दिया था? आखिर शिवसेना कैसे एक पॉलिटिकल पार्टी बनी? तो आपको ये सारे सवालों का जवाब मिलेगा आज के इस वीडियो में। साठ में बॉम्बे और गुजरात एक ही स्टेट हुआ करता था जिसे कहा जाता था बॉम्बे स्टेट। यहाँ पे दो अलग अलग कम्युनिस्ट के लोग रहते थे, मराठी और गुजराती। इस वजह से इनकी आपस में एकदम नहीं बनती थी और ये आपस में बहुत लड़ते थे। इस चीज का कारण था इनका अलग अलग कल्चर का होना। मराठियों को ये लगता था कि नॉन मराठी लोग यानी जो गुजराती है और बाहर स्टेट से आए हुए लोग हैं उनका हक छीन रहे हैं, उनकी नौकरियां छीन रहे हैं और सारी सरकारी सुविधाएं छीन रहे हैं। उस टाइम मुंबई के सारे बड़े बड़े बिजनेस और ट्रेड्स गुजराती के पास था और ये चीज इन मराठियों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। 6 फरवरी 1956 को मराठियों ने संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की और इसकी सबसे पहली शुरुआत पुणे से हुई थी। इसके प्रेसिडेंट थे अमृत डांगे और इस पार्टी के कुछ वॉलंटियर्स फ्रीडम फाइटर्स में भी थे और केशव सीताराम ठाकरे जो बाला साहेब ठाकरे के पिता है वो भी इस पार्टी के मेंबर थे। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 1956 में ही महाराष्ट्र में आंदोलन करना शुरू कर दिया था और उस वक्त के देश के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे मुरारजी देसाई। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपने मराठी न्यूज़पेपर के जरिए सरकार के सामने अपनी मांग को रखती और वो इस न्यूज़पेपर में सरकार के खिलाफ बढ़ चढ़कर बोलते थे। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक ही मकसद था मराठियों को उनका हक दिलाना जो गुजरात से और बाहर के स्टेट से आए हुए लोगों ने छीना था। आजादी से पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टेट्स को उनके कल्चर और लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड करने का वादा किया था, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि मुंबई जो उस टाइम की सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी वाली स्टेट थी वो कहीं भारत से अलग ना हो जाए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सेपरेशन की मांग कर रही। साल 1956 के बाद ही लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट्स बनाने की मांग बढ़ रही थी और ये ज़्यादातर आंध्र प्रदेश में जो उस वक्त तमिलनाडु का हिस्सा था वहाँ पे ताबड़तोड़ प्रोटेस्ट हो रहा था। मामला तब बढ़ा जब एक क्रांतिकारी पोटी श्री रामलू ने 56 दिनों के भूख हड़ताल के बाद अपनी जान गंवा दी थी जिसकी वजह से पूरे आंध्र प्रदेश में माहौल खराब हो गया। उसको देखते हुए सरकार ने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई। उस टीम ने अपना ये सजेशन दिया कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आंध्र प्रदेश केरला और कर्नाटक को एक अलग स्टेट बना दिया जाए, बॉम्बे और गुजरात को एक ही स्टेट रखा जाए और जिसकी राजधानी बॉम्बे को बना दिया जाए। साल 1956 में संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग मुंबई के एक फाउंटेन चौक के पास प्रोटेस्ट कर रहे थे और इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर ताबड़तोड़ गोली चला दी जिसमें से 106 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद मराठियों का गुस्सा और बढ़ गया और उस वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर थे मुरारजी देसाई जिन्हें उनके पद से भी हटा दिया गया था। आखिरकार पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये बात समझ में आ गया था कि अपने देश के लोगों को दबा कर एकजुट नहीं रखा जा सकता, जिसके बाद 1 मई 1960 को महाराष्ट्र को एक अलग स्टेट बना दिया जाता है। संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन काफी ज्यादा खुश होता है इस बात से। जैसे ही महाराष्ट्र को एक अलग स्टेट बना दिया जाता है उसके कुछ समय बाद ही संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लोग छोड़कर जाने लगते हैं। उनका यह सोचना होता है कि अब तो महाराष्ट्र एक अलग स्टेट बन गया है, लेकिन इस कमेटी के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग सेक्टर पे काम कर रहे होते हैं और उनमें से एक थे केशव सीताराम ठाकरे जिन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन भी नहीं किया था, लेकिन उन्होंने महाराष्ट्र के कास्ट सिस्टम के लिए काफी बड़ी बदलाव लाने की कोशिश की थी। बाल केशव ठाकरे उस समय 30 से 35 साल के थे और इनका पूरा बचपन अपने पिता को और उनके आदर्शों को देखते हुए गुजरा है। ये भले ही अपने पिता के साथ किसी आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे लेकिन ये अपने पिता से पूरे इंस्पायर्ड थे। आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है ये जो ठाकरे क्या ये उनका रियल सरनेम था, अगर नहीं तो ये फिर आया कहाँ से था। दरअसल केशव सीताराम ठाकरे का सरनेम ठाकरे ना होकर प्रबोधनकर था, लेकिन भारत में पैदा हुए एक ब्रिटिश राइटर विलियम मेकपीस ठाकरे उन्हें बहुत पसंद थे और उनसे इंस्पायर्ड होकर इन्होंने अपना सरनेम ठाकरे रख लिया और ये सरनेम ठाकरे उनके पीढ़ी के साथ चलती जा रही है। बाला साहेब ठाकरे को ये पता था कि मराठियों को कितनी कुर्बानी देने के बाद महाराष्ट्र मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये चीज खटकती थी क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र के सारे बड़े बिजनेस और ट्रेड्स गुजराती और मराठियों के पास ही थी और स्टेट्स में काम करने वाले लोग भी
या तो गुजराती होते थे या फिर किसी और स्टेट्स के लोग। मराठियों से उनका हक छीना जा रहा था और ये चीज बाला साहेब ठाकरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि कोई भी इंडियन किसी भी स्टेट्स में जाकर अपना बिजनेस चला सकता है। बाला साहेब ठाकरे एक कार्टून आर्टिस्ट थे और उन्होंने कार्टून के जरिए अपनी बात को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया, लेकिन उस टाइम फ्री प्रेस जनरल में भी नॉन मराठियों का ज्यादा दबदबा था, जिसकी वजह से वो अपने सारे कार्टून प्रिंट्स नहीं करवा पाते थे। फिर बाल ठाकरे और 5 अलग लोगों ने मिलकर खुद का अखबार शुरू किया, लेकिन अखबार कंपनी शुरुआत होते ही साथ कुछ ही 2 महीनों में ये कंपनी बंद हो गई, क्योंकि महाराष्ट्र में उस समय बहुत सारे अखबार कंपनियों का दबदबा था। बाल ठाकरे को ये बात समझ में आ गई थी कि महाराष्ट्र में मराठियों के लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। फिर बाल ठाकरे और उनके भाई श्रीकांत ठाकरे ने मिलकर एक कार्टून मैगजीन की शुरुआत की, जिसका नाम था मार्मिक, और ये स्टार्ट होते ही कुछ ही दिनों में महाराष्ट्र में वायरल होने लगा। महाराष्ट्र की सरकार नॉन मराठीज के खिलाफ कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि उस समय यही लोग गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स पे करते थे और ये पार्टी फंडिंग में भी मदद करते थे। ये सारी चीजों को देखते हुए बाल ठाकरे को ये बात समझ में आ गई थी कि मराठी जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक उनके हित में कुछ नहीं होगा। 19 जून 1966 को शिवसेना बनाया गया और इस पार्टी का एक ही इंटेंशन था कि मराठियों को उनका हक दिलाना। धीरे धीरे बाल ठाकरे पॉपुलर होने लगे और हजारों की तादाद में बेरोजगार नौजवान इस पार्टी से जुड़ने लगे, और इनमें वो लोग भी शामिल थे जिनका नॉन मराठीज ने हक छीना था, और ये सारे लोग मिलकर साउथ इंडियन के खिलाफ बढ़ चढ़कर बोलना शुरू कर दिया। महाराष्ट्र के मराठी लोगों की शान के साथ साथ बाल ठाकरे ने उस चीज के लिए भी आवाज उठाई थी, जब महाराष्ट्र डिवाइड हुआ था तब महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा जिसे कर्नाटक में शामिल कर दिया गया था, बाल ठाकरे ने इसके लिए भी आवाज उठाई थी, जिसके वजह से 1969 में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। वक्त के साथ शिवसेना बढ़ते ही जा रही थी और इस पार्टी से बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया था। 10 सालों की कड़ी मेहनत के बाद मराठियों को उनका हक मिलने लगा था। कई मराठीज को कंपनी में नौकरी मिलना शुरू हो गया था, लेकिन मराठियों का एक कस्बा ऐसा भी था जिससे उन्हें कोई बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे। बाल ठाकरे को ये बात समझ में आ गई थी, अगर वो अपनी पार्टी को स्टेट पॉलिटिक्स में लाते हैं तो वो अपना एजेंडा दिखाकर और लोगों को भी जोड़ सकते हैं, वरना उनकी पार्टी मुंबई के कुछ हिस्सों तक ही सीमित रह जाएगी। बाल ठाकरे ने इन्हीं सभी वजह से शिवसेना को एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का फैसला लिया और 1970 में शिवसेना ने पहली बार एक लोकल चुनाव लड़ा, जिसमें उसकी बुरी तरीके से हार हुई। इस हार से सबक लेते हुए शिवसेना ने मुंबई के हर छोटे छोटे इलाके में अपने ऑफिस खोल दिए, जिसमें लोगों की शिकायत को लिखा जाता था। बाल ठाकरे ने धीरे धीरे शिवसेना को पॉलिटिक्स में लाना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से शिवसेना पे काफी ज्यादा हिंसा के भी आरोप लगाए गए थे, लेकिन बाल ठाकरे खुद को इन सारी चीजों से दूर रखते थे क्योंकि वो अपना इमेज बनाकर रखना चाहते थे। 1975 में जब इमरजेंसी लागू हुआ था तब बाल ठाकरे ने अपनी पूरी पार्टी के साथ इसका समर्थन किया था। इस वजह से शिवसेना को लोग छोड़कर जा रहे थे। बाल ठाकरे को ये पता था अगर वो इस चीज के खिलाफ बोलते हैं तो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाएगा और ये उनके पार्टी पे अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 1975 में जब इमरजेंसी को हटाया गया, उसके बाद देश में आम चुनाव कराए गए। नाराज जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता से बाहर फेंक दिया और 1977 में पहली बार नॉन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, जिस पार्टी का नाम था जनता पार्टी, और इस पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री थे मुरारजी देसाई। फिर उस वक्त शिवसेना ने एक अलग ही रास्ता चुना, हिंदुत्व का। जब कांग्रेस की सरकार गिरी तब शिवसेना और दूसरे अदर पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर लोगों को कांग्रेस के खिलाफ भड़काया, और उस समय महाराष्ट्र में कोई और अलायंस पार्टी नहीं थी अलावा कांग्रेस के। 1989 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और वो कांग्रेस के खिलाफ और बढ़ चढ़कर बोलने लगी। जब साल 1992 में बाबरी मस्जिद को गिराया गया तो देश का माहौल बहुत बिगड़ गया था। देश में हिंदू और मुस्लिम की राजनीति हो रही थी और इस आइडियोलॉजी को लीड कर रही थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, और उस समय बीजेपी के प्रमुख थे लाल किशन आडवाणी, जिन्होंने अपनी रथ यात्रा में हिंदू संस्कृति को बचाने की मांग की थी। 1993 में जब महाराष्ट्र में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तब हजारों लोगों की जान चली गई। इस हमले के बाद शिवसेना ने महाराष्ट्र में कई जगह दंगे कराए जिसमें बहुत सारे मुसलमानों की जान चली गई। इस चीज से ये साफ दिखाई देता था कि शिवसेना हिंदुत्व के लिए हमेशा खड़ा है। शिवसेना बीजेपी के साथ जुड़ चुकी थी और ये दोनों पार्टी मिलकर हिंदुत्व के बारे बोला करते थे और उनका ये फॉर्मूला काम आया। 1995 में पहली बार शिवसेना और बीजेपी अलायंस की सरकार बनी महाराष्ट्र में। उस समय के चीफ मिनिस्टर बने मनोहर जोशी। बाल ठाकरे के पास अब सब कुछ था और बीजेपी के प्रमुख लाल कृष्ण आडवाणी
पूरी भारत देश में रथ यात्रा के लिए निकल पड़े। 28 जून 1999 को इलेक्शन कमेटी ने एक फैसला लिया जिसमें बाल ठाकरे को वोट देने या इलेक्शन में खड़े होने से 6 साल के लिए बैन लगा दिया गया, क्योंकि बाल ठाकरे ने धर्म और जाति के नाम पे वोट मांगे थे और ये चीज इलेक्शन कमेटी के रूल्स के गाइडलाइन के खिलाफ थी। उसके अलावा बाल ठाकरे पर कई सारे आरोप लगाए गए थे। शिवसेना ने 1999 से लेकर 2014 तक भाजपा के साथ विपक्षी दल में थी और 25 सालों के गठबंधन के बाद 2014 के असेंबली इलेक्शन में शिवसेना के भाजपा के तरफ से धमकी मिलने की वजह से दोनों पार्टी ने सेल्फ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और शिवसेना ने अपोजिशन की घोषणा की थी। हालांकि ये चीज उन्होंने आपस में बात करके शॉर्ट आउट कर लिया था और उसके बाद फिर से शिवसेना ने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया था। 2019 इलेक्शन के बाद शिवसेना ने अपना टाइप बीजेपी के साथ खत्म कर लिया था और शिवसेना ने कांग्रेस के साथ मिलकर महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई थी 2019 में, जिसके चीफ मिनिस्टर बने थे उद्धव ठाकरे। लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे वापस बीजेपी वाली शिवसेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपना समर्थन और शिवसेना के कुछ एमएलओ का समर्थन जाकर बीजेपी को दे दिया, जिसके वजह से महाराष्ट्र में 2022 में बीजेपी की सरकार बनी। ये थी शिवसेना और ठाकरे की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें एक पॉजिटिव वाइब्स मिलता है।